Morning, students. Hope you all are fine. Stay at home and stay safe. Beta, today I am going to start our history chapter. In our previous videos, we have studied about the civics, about the country and the parliament, the constitution. But today we move on to the history. Okay? And in history, today we are going to study about the Revolt of 1857. Revolt of 1857. First War of Independence. It is also known as First War of Independence. ठीक है? अभी हम 1857 की क्रांति के बारे में आपको कुछ बताएंगे. आपने इस क्रांति का नाम सुना हुआ है? ये भारत के आजादी की पहली लड़ाई है जो 1857 में शुरू हुई थी. ठीक है? और इसको हम सिपाही रिवोल्ट भी बोलते हैं या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं. ठीक है? क्योंकि इस विद्रोह को सिपाहियों ने शुरू किया था. इंडियन सोल्जर्स ने, जो ब्रिटिश ट्रूप में इंडियन सोल्जर्स कार्यरत थे, उन्होंने शुरू किया था. तो इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है. वो विद्रोह, वो रिवोल्ट जो इंडियन सोल्जर्स ने किया था, हु वर वर्किंग इन द ब्रिटिश ट्रूप, जो अंग्रेजी फौज में जो भारतीय सिपाही हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाई और विद्रोह किया, तो वो विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह कहलाया. और ये 1857 में शुरू हुआ था. तो इसको जो है पहली लड़ाई मानी जाती है आजादी के लिए. जो भारत ने लड़ाइयां की, उसमें सबसे पहला जो संघर्ष है, जो संग्राम है, वो 1857 का संग्राम कहा जाता है. ठीक है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है. ये जो 1857 की लड़ाई हुई, जो विद्रोह हुआ, वो कोई दो चार दिन के प्लानिंग के अंदर नहीं हुआ था. ये इसके पीछे की जो कहानी है वो वर्षों से चली आ रही थी. जो इसकी भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है इस क्रांति की, 1857 के रिवोल्ट की, वो काफी दिनों से बनती चली आ रही थी. और जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो फिर ये क्रांति 1857 में फूट पड़ी. ठीक है ना? एक विस्फोटक रूप इसने धारण कर लिया. जब लोगों की बर्दाश्त करने की जो क्षमता है उसकी समाप्ति हो गई, जब लोगों ने सहन करने की शक्ति जो है लोगों के अंदर वो समाप्त हो गया, तो फिर ये उनका जो असंतोष था, उनका जो अंदर का जो गुस्सा था, वो ये विद्रोह के रूप में सामने आया. ठीक है? और इसके पीछे केवल इसको सिपाही विद्रोह तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सिपाहियों ने शुरू किया था. जो बहुत दिनों से जो बारूद इकट्ठा था, उसमें आग लगाने का काम सिपाहियों ने किया था. मतलब चिंगारी जो जलाई, वो सिपाहियों ने जलाई. लेकिन उसके पीछे इसमें भारत के समाज के सभी वर्ग के लोगों का उतना ही बड़ा योगदान था इस सिपाही विद्रोह के होने में. ठीक है ना? चाहे वो हमारा लैंडलॉर्ड्स का ग्रुप हो, सेक्शन हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, स्टूडेंट हो, या फिर वो हमारे नवाब्स हो, किंग हो, प्रिंसेस हो, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, उस समय भारतीय समाज में जितने भी लोग थे, उन सब लोगों के अंदर का जो गुस्सा था, उन सब गुस्से ने मिलकर के इसकी पृष्ठभूमि को तैयार की थी. हर तरीके से, हर किसी न किसी कारण से भारत का हर वर्ग अंग्रेजी शासन के खिलाफ था. जो अंग्रेजी हुकूमत कर रही थी भारत में, जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, उसके खिलाफ भारत का हर वर्ग किसी न किसी कारण से था. ठीक है ना? इसमें सभी वर्ग शामिल थे. अभी देखिए, इसमें नवाब्स थे. ठीक है? इसमें किंग्स एंड क्वींस थे, प्रिंस थे. उसके बाद इसमें पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, टीचर्स, एडवोकेट्स, ये सारे थे. उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें लोग शामिल थे. हमारे समाज का हर हिस्सा इसमें शामिल था, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ. सबसे पहले हम किंग, क्वींस और
प्रिंस को लेते हैं, ठीक है ना। ये क्यों अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेज अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने हमारे देश में किंग्स क्वींस और जितने राजा रानी हुआ करते थे और जितने भी राजकुमार थे उनको खरीद लिया है ना। उनको ये बोला कि आपकी हुकूमत कायम रहेगी, आप राजा के राजा ही बने रहोगे, आप हमारे अंडर आ जाओ। इस तरह करके उन्होंने उनको अपने अंडर ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उनको मोटिवेट कर लिया। तो और बहुत सारी शक्तियां राजाओं की रानियों की छीन ली, तो ये सब उनके खिलाफ हो गए। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जितने भी थे, यानी कि जो हमारे जो प्रांतीय राज्य हुआ करते थे उन दिनों, वहाँ के शासक जो थे उनको इन्होंने अपने कब्जे में करके और वहाँ का हेड किसी नवाब को बना दिया। जैसे बंगाल को जीत लिया, बंगाल का नवाब किसी को बना दिया, अवध को जीत लिया, अवध का नवाब बना दिया। इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उनको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ का कोई प्रमुख व्यक्ति को वहाँ का नवाब बना दिया, जो वहाँ का प्रमुख हुआ करता था। लेकिन वो केवल नाम का ही चीफ था, नाम का ही नवाब था। जितनी भी शक्तियाँ थी वो सब अंग्रेजों के हाथों में थी। मतलब जो नवाब हुआ करते थे, जो राजा रानी हुआ करते थे, वो सब क्या थे, वो सब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे, है ना। वो केवल उनके इशारों पर नाचते थे, उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं रह गई थी। तो इस वजह से नवाब भी उनके खिलाफ हो गए, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स तो थे, इनकी शक्तियां भी कम कर दी गई। इनके अंडर में जो जितना एरियाज था उस एरियाज को कम कर दिया गया। इनको जो रिवेन्यू का परसेंटेज दिया जाता था, जो कमीशन दिया जाता था, वो कमीशन कम कर दिया गया। इनकी ज़मीनें जो हैं वो अंग्रेज़ों ने छीननी शुरू कर दी, वहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया, वहाँ पर अपना यूनियन जैक लहराना शुरू कर दिया। तो लैंडलॉर्ड्स यानी कि ज़मींदारों की शक्तियाँ भी कम होने लगी, तो ज़मींदार भी इनके खिलाफ होने लग गए। सबसे ज़्यादा दुखी पीजेंट्स थे, क्योंकि पीजेंट्स को अपने हिसाब से खेती करने का भी इनको अधिकार नहीं था। सबसे पहले तो पीजेंट्स यानी किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिवेन्यू लगा दिया गया था, टैक्स जिसको लगान कहते थे, बहुत ही ज्यादा लगान था। चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे फसल हो चाहे ना हो, अंग्रेजों ने जो लगान फिक्स कर दिया वो किसानों को देना ही पड़ता था, जिससे कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। तो पीजेंट्स लोग भी बहुत दुखी थे, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी, उनसे बेगार करवाया जाता था, मतलब बिना मजदूरी के उनसे पैसे उनसे काम करवाया जाता था, बिना दिहाड़ी के काम करवाया जाता था, उनको किसी और की जमीन पर बेगार मजदूर की तरह काम करना पड़ता था, ठीक है। और जो उनका उनको ये भी उस हिसाब से भी खेती करनी पड़ती थी जिस हिसाब से अंग्रेज उनको कहते थे। जैसे उन दिनों अंग्रेज इनको कहते थे कि आपको नील की खेती करनी है, तो अंग्रेज किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने से क्या होता था, जमीनें उपजाऊ नहीं रह पाती थी, वो जमीन बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी। और नील पैदा करने के बाद 2-3 सालों तक किसान उसमें दूसरी फसल नहीं बो सकता था। नील के पैदा करने के बाद जितना प्रॉफिट है वो सब अंग्रेजों को मिलता था। नील वो अंग्रेज बाहर भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे, जो कपड़ों की डाई करने में काम आता है, वो रंग उससे बनाया जाता था, जिससे टेक्सटाइल को कलर किया जाता था, डाई किया जाता था। तो इस वजह से अंग्रेजों को बहुत फायदा होता था, किसानों के हाथ में कुछ नहीं आता था, उल्टा उनकी जमीनें भी खराब होने लगती थी। तो ये सारा प्रेशर था किसानों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर। तो पीजेंट्स भी बहुत ज्यादा दुखी थे और अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे। ट्रेडर्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये जो व्यापार करते थे इनके व्यापारिक मालों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, जबकि अंग्रेजों का जो माल भारत आता था तो वो टैक्स फ्री था, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था अंग्रेजों को। भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा सस्ते में अपना सामान बेचना पड़ता था। तो बहुत सारी समस्याएं थी जो ट्रेडर्स के आगे थी, और वो भी अंग्रेजों के शासन से मुक्त होना चाहते थे। तो इन सब के मन में काफी असंतोष था, काफी गुस्सा भरा पड़ा था। स्टूडेंट्स भी आसपास की समस्याओं को देख के काफी क्रोधित हो रहे थे, और उनको भी पढ़ाई का सिस्टम बदलना था, उनको भी अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहिए थी। ये सारी बातें जो है, ये सारा जो वर्ग है हमारे समाज का, वो सब अंदर ही अंदर काफी असंतुष्ट था अंग्रेजी शासन से, और अंग्रेज सरकार जिस तरह से पॉलिसीज बना रही थी भारत
के अंदर शासन करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर जिस तरह से भारत में वो शासन कर रही थी, भारत को जिस तरह से लूट रही थी, भारत में जिस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, मतलब भारत की संपत्ति को बहाया जा रहा था, दूसरे देशों की तरफ पार्सल किया जा रहा था, ये सारी चीजें जो है बहुत सारे भारत के बुद्धिजीवी वर्गों को हजम नहीं हो रहा था और वो किसी भी कीमत पर भारत से अंग्रेजी शासन को हटाना चाहते थे। तो ये सारी पृष्ठभूमि बहुत दिनों से तैयार हो रही थी 1857 की क्रांति के लिए, ठीक है। और पहले से ये सब सिचुएशन बनता आ रहा था और कुछ ऐसी बात हुई, ऐसी घटना घटी जिसने सिपाहियों को और ज्यादा क्रोधित कर दिया और फिर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इस रिवोल्ट का नाम सिपाही विद्रोह पड़ गया। तो इस तरह से 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी काफी समय से, काफी सालों से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इंडियन जो सोसाइटी थी वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी और उस जो सुलगने का जो विस्फोट था वो सिपाहियों ने कर दिया था, तो इसका नाम इसलिए सिपाही विद्रोह रखा गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि किस तरह से जो है, इसके बाद का जो टॉपिक है कि सिपाहियों ने किस तरह से विद्रोह शुरू किया, किस तरह से सिपाही का पहला विद्रोह हुआ अप्रैल 1857 में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सिपाही विद्रोह की आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। आप वीडियो जरूर देखिएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।